subscribe the channel and press the bell icon for upcoming videos. Hello friends, welcome to my channel Pharmacology Concepts by Rajesh Chaudhary. And in this video, I am going to discuss about the azole antifungal drugs pharmacology. Means, आज की वीडियो में हम बात करेंगे आपके antifungal drugs के जो azole family हैं, जिसमें आपके midazole और triazoles आते हैं. बात करें हम drug की, तो उसमें आपके ketoconazole, itraconazole, fluconazole. तो उनके detail pharmacology के हम बारे में बात करेंगे. ये जो drug हैं, आज की डेट में frequently use होते हैं market में, क्योंकि ये बहुत ही effective antifungal drugs हैं, जो कि easily आपके चाहे systemic infection हो, चाहे आपके local infection हो, को उसको ठीक कर सकता है. So, इसलिए जो वीडियो है, ये जो टॉपिक है, वो इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एंटीफंगल क्लास का. सो एंड इफ यू वांट टू वॉच माय प्रीवियस वीडियोस रिगार्डिंग द फार्माकोलॉजी, यू कैन चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो और बाय यूजिंग दिस लिंक. सो नाउ लेट स्टार्ट द टॉपिक. सो एंटीफंगल ड्रग्स means the drugs which are used in the treatment of fungal infection, either systemic or either superficial. तो ऐसे ड्रग जिनका यूज हम फंगल इन्फेक्शन के अगेंस्ट में करते हैं, ठीक करने के लिए करते हैं, वैसे ड्रग को हम एंटीफंगल ड्रग्स बोल सकते हैं. इसमें बहुत सारे क्लासेस हैं. पिछले वीडियो में हमने बात किया था एंटीबायोटिक क्लास को लेकर, जिसमें हम बात किए थे कैप्सोफिजिन, ग्रेसोफिलविन एंड आपके एम्फोट्रेसिन भी, जो भी इंपॉर्टेंट है. आज की वीडियो और इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ये जो ड्रग हैं, जो एजोल्स फैमिली हैं, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट ड्रग्स आते हैं, क्योंकि ये बेटर इफेक्टिव शो करते हैं एज कम्पेयर टू द अदर एंटीफंगल ड्रग्स. तो इसमें जो दो मेजर कैटेगरी हैं, पहला है आपका इमिडाजोल डेरिवेटिव, सेकंड है आपका ट्राइजोल्स डेरिवेटिव. तो इमिडाजोल्स में भी हमने दो डिवाइड किया गया है, वो है आपका सिस्टमिक एंड आपके टॉपिकल रूट. तो जो पहला ड्रग है, वो है आपका कीटोकिनाजोल. एंड द कीटोकिनाजोल इज द फर्स्ट ओरल एक्टिव एंटीफंगल ड्रग्स. तो बात करें कीटोकिनाजोल की, तो इस ड्रग को हम सिस्टेमिक और टॉपिकल दोनों तरीके से दे सकते हैं. मीन इसका हम क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं, शैम्पू भी यूज़ करते हैं, उसके अलावा हम इसको ओरल रूट के थ्रू भी ले सकते हैं आपके डीप माइकोसिस को इन्फेक्शन के अगेंस्ट में. बात करें हम लोग सेकेंड क्लास की, सेकेंड कैटेगरी की, वो है आपका टॉपिकल इमिडाजोल डेरिवेटिव. तो ऐसे ड्रग जिनका हम केवल टॉपिकल ही यूज़ कर सकते हैं, उसमें है आपके कोट्रिमाजोल, इकोनाजोल और माइकोनाजोल. इनको हम बेसिकली टॉपिकल क्रीम में यूज़ कर सकते हैं आपके दाद वगैरह हैं, रिंग बर्म हैं, उनके अगेंस्ट में ठीक करने के लिए. उसके अलावा है आपका नेक्स्ट क्लास है आपका ट्रायाजोल्स. ट्रायाजोल्स इज द एडवांस्ड ड्रग और न्यूअर ड्रग एज कम्पेयर टू द इमिडाजोल्स, एंड दे हैव बेटर इफेक्टिव अगेंस्ट द एंटीफंगल और फंगल इन्फेक्शन. तो ये जो ड्रग हैं, वो न्यू हैं, ये एडवांस हैं, ये अच्छे तरीके से काम करते हैं, इनका साइड इफेक्ट भी कम होता है इस कम्पेयर टू द कीटोकिनाजोल. तो इस जो ड्रग हैं, वो आपके इट्रोकिनाजोल, फ्लुकोनाजोल, जो कि सिस्टमिक रूट से हम देते हैं. ये जो जो आपके मार्क्स, टिक मार्क्स है, वो बेसिकली सिस्टमिक रूट के लिए है. सिस्टमिक में आपके कीटोकिनाजोल हैं, जो पहला ओरल ड्रग है. उसके अलावा हम इट्रोकिनाजोल, फ्लुकोनाजोल को भी यूज़ कर सकते हैं, जो कि बेटर वे पे काम करता है. इसका साइड इफेक्ट्स भी कम होते हैं, इसकी ब्रॉड स्पेक्ट्रम प्रॉपर्टी भी अधिक होती है. इसलिए आज के डेट पे जो है, इट्राकोनाजोल ही मेनली यूज़ होता है मार्केट में. उसके अलावा आपके जो नए ड्रग हैं, वो हैं आपके वर्सिकोनाजोल और पोसाकोनाजोल. ये भी नए ट्रायाजोल्स हैं, जो कि बेहतर तरीके से काम कर सकते हैं, इनके भी साइड इफेक्ट्स कम होते हैं, और अच्छे तरीके से ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम प्रॉपर्टी होती है और ठीक कर सकते हैं. सो दीज आर द बेसिक ड्रग्स बिलोंग द एजोल्स फैमिली, एंड दैट हैव अ गुड एंटीफंगल प्रॉपर्टी और ब्रॉड स्पेक्ट्रम प्रॉपर्टी. एंड नाउ कम टू द स्पेक्ट्रम ऑफ दीज ड्रग्स. बेसिकली दे आर द ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीफंगल फंजियोस्टेटिक ड्रग. मीन्स ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, मीन्स ये आपके एस्परजिलस हो, कैंडिडा हो, या फिर आपके टर्मेटोफाइट्स हो, सारे के अगेंस्ट में काम करते हैं. ये आपके चाहे सुपरफिशियल हो, चाहे आपके डीप माइकोसिस हो, उनमें भी ये हेल्पफुल होता है. लेकिन जो इसका ये फंजियोसिडल नहीं होते हैं, ये आपके फंजियोस्टेटिक ड्रग होते हैं. बात करें इनके स्पेक्ट्रम की, तो हम इससे बात कर चुके हैं, आपके डर्मेटोफाइट्स हो, आपके कैंडिडा हो, उसके अलावा एस्परजिलस भी कर सकते हैं, उसके अलावा आपके डीप माइकोसिस एजेंट्स हैं, या फिर आपके नोकार्डिया हो, या फिर लेस्मेनिया हो, इन सब पे ये इफेक्टिवली ठीक कर सकते हैं. तो इसलिए ये ड्रग बेहतर होते हैं बाकी और ड्रग से, उनके साइड इफेक्ट भी कम होते हैं, खासकर नए ट्राइजोल्स के. बात करें उनके मोड ऑफ एक्शन की, तो सारे एजोल्स की मोड ऑफ एक्शन सब सिमिलर होते हैं, एक ही होते हैं. दिस ड्रग्स बेसिकली इनहिबिट द फंगल साइटोक्रोम P450 डिपेंडेंट एंजाइम्स लेनोस्ट्रॉल 1,4 डीमिथाइलेज. एंड दिस मिथाइलेस एंजाइम या डीमिथाइलेस एंजाइम इज फर्दर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कन्वर्जन ऑफ लेनोस्ट्रॉल इनटू द इर्गोस्ट्रॉल. बेसिकली दे इनहिबिट द इर्गोस्ट्रॉल सिंथेसिस. तो अल्टीमेटली जो ये ड्रग हैं, वो आपके इर्गोस्ट्रॉल सिंथेसिस को इनहिबिट करते हैं. आपके ये जो एंजाइम हैं, लेनोस्ट्रॉल 1,4 डीमिथाइलेस एंजाइम, ये एंजाइम जो हैं आपके फंगल में होते हैं, और फंगल में जो साइटोक्रोम P450 डिपेंडेंट एंजाइम्स हैं, उन क्लास का ये एंजाइम है, उनको इनहिबिट करके अल्टीमेटली
इल्गोस्ट्रॉल के सिंथेसिस को कम करता है। एंड वी नो दैट द इल्गोस्ट्रॉल इज द मेन कंपोनेंट ऑफ द सेल मेम्ब्रेन ऑफ द फंगल सेल्स एंड दे मेंटेन द मेम्ब्रेन सेल मेम्ब्रेन इंटीग्रिटी। तो इसकी सिंथेसिस कम होने से जो सेल मेम्ब्रेन का कंटेंट है वो लॉस होगा, उसकी वजह से जो है बैक्टीरियल सेल ग्रोथ रुक सकता है और हाई डोज पे ये स्टेरल भी हो सकता है। सो दिस आर द बेसिक मोड ऑफ एक्शन ऑफ द वेरियस एजोल्स फैमिली, आइदर ट्राइजोल्स और आइदर इमिडाजोल्स। सो बात करें हम लोग की एक्टिविटी की, तो बेसिकली ट्राइजोल्स हैव ए हायर सेलेक्टिविटी फॉर दिस एंजाइम मीन्स लेनोस्ट्रॉल वन फॉर डाइमिथाइलेस सॉरी डी मिथाइलेस एंजाइम, देयर फॉर इट हैज दे हैज अ लोअर टॉक्सिसिटी एज कम्पेयर टू द कीटोकोनाजोल। क्योंकि आपके जो ट्राइजोल्स हैं, खासकर इट्राकोनाजोल्स हैं, फ्लोकोनाजोल्स हैं, वर्सिकोनाजोल्स हैं, इन लोग की जो सेलेक्टिविटी है वो फंगल आपके डी मिथाइलेस या फंगल स्ट्रॉल के लिए अधिक होती है, इसलिए वो फंगल सेल्स पे बेहतर तरीके से काम कर सकते हैं। वो हमारे होस्ट सेल्स के जो स्ट्रॉल सिंथेसिस पाथवे हैं उनको कम इनहिबिट करते हैं, इसलिए सिस्टमिक टॉक्सिसिटी इसमें कम शो होता है। लेकिन बात करें हम लोग कीटोकोनाजोल की, जो कि ओल्ड ड्रग है, ये ड्रग आपके हमारे होस्ट सेल्स के भी स्ट्रॉल सिंथेसिस को कम कर सकते हैं, इसलिए आपके होस्ट में भी ये टॉक्सिक इफेक्ट शो करते हैं। इसलिए जो आज के डेट में हम फ्रिक्वेंटली इट्राकोनाजोल या ट्राइजोल्स ही यूज़ करते हैं एज कम्पेयर टू द कीटोकोनाजोल। नाउ कम टू द डिटेल फार्माकोलॉजी ऑफ कीटाकिनोकोनाजोल दैट इज ए इमिडाजोल डेरिवेटिव। बात करें कीटाकिनोजोल की, तो कीटाकिनोजोल इज द फर्स्ट ओरल एक्टिव एंटी फंगल ड्रग्स दैट आर यूज्ड फ्रीक्वेंटली एज ए ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटी फंगल ड्रग्स एंड दैट हैज इट हैज ए फंजिस्टेटिक एक्शन। तो ये जो फर्स्ट आपके ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटी फंगल ड्रग्स होते हैं जो कि हम ओरल के थ्रू ले सकते हैं। बात करें इसकी फार्माकोकाइनेटिक प्रोफाइल की, इससे पहले बात करते हैं कुछ फार्माकोलॉजिकल प्रोफाइल की। तो जितने भी आप हमने पढ़े हैं आगे पहले ऊपर के, चाहे बात करें उसके मोड ऑफ एक्शन की हो, स्पेक्ट्रम की हो, या फिर आपके उसकी इफेक्टिवनेस की हो, तो वो सिमिलर होते हैं पहले के साथ साथ सारे के। जो मोड ऑफ एक्शन है, फार्माकोलॉजिकल एक्शन है, वो सेम होंगे। बात करते हैं फार्माकोकाइनेटिक प्रोफाइल की, तो वो डिफरेंट हो सकते हैं हर एक ड्रग का। तो इसका जो बेसिकली दिट इज वेल ऑब्जर्व ओरली थ्रू वेल ऑब्जर्व हो सकते हैं, लेकिन जो इनका जो पेनिट्रेशन पावर है या एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी है वो एसिड मीडिया पे अधिक होती है, मींस दैट इज फैसिलिटेटेड बाय द गैस्ट्रिक एसिड। इसलिए जो है एंटी गैस्ट्रिक ड्रग जो है इसके एब्जॉर्प्शन को कम कर सकते हैं, जो कि इसका ड्रग इंट्रेक्शन का पार्ट है जो कि हम आगे देखने वाले हैं। तो बेसिकली ये ओरल एब्जॉर्ब होते हैं गैस्ट्रिक के प्रेजेंस में या गैस्ट्रिक एसिड के प्रेजेंस में और अच्छे से एब्जॉर्ब होते हैं। एंड इट इज मेटाबोलाइज्ड इन द लीवर एंड द एक्टिव मेटाबोलाइट्स आर एक्सक्रीटेड थ्रू द यूरिन एंड द फिसेस एज वेल एज इन द टी हाफ इज अप्रॉक्सिमेटली 4 to 8 hours। ये कुछ बेसिक इसके काइनेटिक प्रोफाइल है। नाउ कम टू द बेसिक ADR और साइड इफेक्ट्स ऑफ दिस कीटोकोनाजोल। जैसे हमने कहा साइड इफेक्ट्स ज़्यादा होते हैं इस कम्पेयर टू द इट्राकोनाजोल। तो बेसिकली इट मे कॉज द नोजिया, वोमिटिंग, एपेटाइट लॉस इन द कॉमन एंड इट ऑल्सो कॉज द प्रेस्थेसिया रेसेस एंड द हेयर लॉस। ये कुछ कॉमन आपके ADR हैं। इसके अलावा जो मेन है ये आपका है जो हार्मोन हेल्थ हार्मोन लेवल है मेल में फीमेल में, खासकर मेल में, उसको ये डिस्टर्ब कर सकता है। खासकर ये एंड्रोजन की प्रोडक्शन को कम करता है। एंड्रोजन प्रोडक्शन कम होने से जो है एंटी एंड्रोजेनिक इफेक्ट शो होता है, जो कि आपका गायनेकोमेस्टिया। तो गायनेकोमेस्टिया इज द मेन साइड इफेक्ट ऑफ द कीटाकिनोजोल एज वेल एज इट मे ऑल्सो डिस्प्लेस द टेस्टोस्टेरोन फ्रॉम इट्स प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग साइट्स एंड मे अफेक्ट द टेस्टोस्टेरोन एक्टिविटी। तो टेस्टोस्टेरोन की जो प्रोटीन बाइंडिंग है उसको भी डिस्प्लेस कर सकता है, उससे भी टेस्टोस्टेरोन का हार्मोन लेवल डिस्टर्ब हो सकते हैं। इसके अलावा इट में आल्सो कॉज द ओलिगोजुस्पर्मिया एंड द इररेगुलर मेस्ट्रुअल साइकिल्स इन द फीमेल। तो आपके मेल में ओलिगोजुस्पर्मिया कर सकता है और आपके फीमेल पे इररेगुलर मेस्ट्रुअल साइकिल्स भी कर सकता है, जो कि बहुत ही हार्मफुल है। मींस जो मेन साइड इफेक्ट है वो आपका हार्मोनल डिस्टर्बेंस इन द मेन एज वेल एज इन द वुमेन। एंड नाउ कम द ड्रग इंट्रैक्शन। तो कीटाकिनोजोल्स बेसिकली ये द मेटाबॉलिक एंजाइम इनहिबिटर, मींस दे इनहिबिट द साइटोक्रोम P450 डिपेंडेंट एंजाइम विच आर प्रेजेंट इन आवर लीवर। तो हमारे बॉडी के अंदर में जो लीवर में जो मेटाबॉलिक एंजाइम्स हैं उनको इनहिबिट करता है। उनके इनहिबिट होने के कारण जो हैं बहुत सारे जो और ड्रग हैं जो हम साथ में लेते हैं, तो बहुत सारे और ड्रग की जो मेटाबॉलिज्म कैपेसिटी है, मेटाबॉलिज्म रेट है, वो कम हो जाता है। उससे अल्टीमेटली उनका एलिमिनेशन रेट कम होता है और एलिमिनेशन रेट कम होने से उनका जो एक्यूमेशन है, उनका जो प्लाज्मा कंसंट्रेशन है वो बढ़ जाता है, उससे उनके टॉक्सिक इफेक्ट शो हो सकते हैं। मींस मेटाबॉलिक एजोल्स आर द मेटाबॉलिक एंजाइम इनहिबिटर्स, चाहे सारे की बात करें। थस इट में इन्हेंस द प्लाज्मा कंसंट्रेशन ऑफ द अदर ड्रग्स लाइक फेनोटॉइन, डिजिटॉक्सिन, वारफरिन, सल्फोनाइल यूरिया, प्रोटेस इनहिबिटर्स, डाइहाइड्रोपाइरिडिन्स लाइक निफेडिपिन एसेट्रा, एंड दैट में इन्हेंस देयर टॉक्सिक इफेक्ट।
तो इन सारे ड्रग का जो मेटाबॉलिज्म रेट है कम करने से इनकी प्लाज्मा कंसेंट्रेशन बढ़ जाएगी और टॉक्सिक इफेक्ट हमको मिलेगा। इसके अलावा द एच टू ब्लॉकर एंटासिड्स मीन्स द ड्रग्स विच डिक्रीज द पीएच इंक्रीज द पीएच ऑफ स्टमक में डिक्रीज द एब्जॉर्प्शन ऑफ दिस कीटोकोनाजोल। तो ऐसे ड्रग जो कि आपके एसिडिक पीएच जो मीडिया है आपके हाई करेगा आपके जीआई का या गैस्ट्रिक का या फिर बात करें हम उसको जो एसिडिटी से बेसिसिटी में ले आएगा, वैसे ड्रग जो है इस ड्रग के मतलब कीटोकोनाजोल के एब्जॉर्प्शन को कम कर सकता है। इसलिए जो एच टी ब्लॉकर हैं एंटासिड्स को हैं हम साथ में नहीं लेते हैं क्योंकि इसका जो एब्जॉर्प्शन है वो कम हो जाता है। इसके अलावा द एंजाइम इंड्यूसर जो कि और एंजाइम इंड्यूसर होते हैं, बात करें हम बारबिट्यूरेट्स की है, फेनिटोइन की हैं, कारबामेज़ेपिन्स की हैं, सो दिस मेटाबॉलिक एंजाइम इंड्यूसर मे इन्हेंस द मेटाबॉलिज्म रेट ऑफ द कीटोकोनाजोल्स एंड मे डिक्रीज द प्लाज्मा कंसेंट्रेशन ऑफ द कीटोकोनाजोल्स एंड मे डिक्रीज द थेरेप्यूटिक वैल्यू। तो जो ऐसे ड्रग हैं जो कि मेटाबॉलिक एंजाइम इंड्यूसर हैं वो अगर हम साथ में लेते हैं तो वो कीटोकिनाजोल के मेटाबॉलिज्म को बढ़ा देगा और उसके प्लाज्मा कंसेंट्रेशन को कम कर सकता है, उसके थेरेप्यूटिक इफेक्ट भी कम हो सकता है। सो दीज आर द बेसिक ड्रग इंट्रेक्शन ऑफ द ऑल एजोल्स फैमिली। तो जो ये इंट्रेक्शन है वो सारे एजोल्स के लिए आ सकते हैं, चाहे वो इट्राकोनाजोल्स हों, चाहे आपके फ्लोकोनाजोल्स हों या फिर आपके कीटोकोनाजोल्स हों, क्योंकि सारे जो ड्रग हैं लगभग सेम प्रॉपर्टी के होते हैं। ना कम टू द बेसिक यूज़, इसका जो बेसिक यूज़ है हम डी माइकोसिस में, कैंडिडा के अगेंस्ट में हम यूज़ करते ही हैं जो हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, लेकिन आज के डेट पे जो है हम सिस्टमिक यूज़ बहुत ही कम करते हैं। हम केवल जो टॉपिकल यूज़ हैं आपके वो हम यूज़ कर सकते हैं, चाहे वो एंटी डैंड्रफ शैम्पू के लिए रूप में हो या फिर आपके टॉपिकल क्रीम के रूप में हो। तो बात करें हम लोग नए क्लास की, वो है आपका ट्रायाजोल्स। ट्रायाजोल्स में आपके फ्लोकोनाजोल्स हैं, आपके इट्राकोनाजोल्स हैं, तो इट्राकोनाजोल्स इज़ द बेटर देन द फ्लोकोनाजोल, इसलिए हम बात करेंगे इसके फार्माकोलॉजी के बारे में। तो बेसिकली इट्राकोनाजोल इज़ द ट्रायाजोल्स फैमिली, ट्रायाजोल्स एंटीफंगल ड्रग्स एंड इट हैज़ अ बेटर ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीफंगल एक्टिविटी एज कम्पेयर टू द फ्लोकोनाजोल एज वेल एज द कीटोकोनाजोल्स। जो इसकी एक्टिविटी है, जो स्पेक्ट्रम है वो हाई होती है आपके कीटोकोनाजोल से भी और आपके फ्लोकोनाजोल से भी, मतलब ये आपके एस्परजिलस स्पीसीज को भी ठीक कर सकता है। एंड इट्स ऑल्सो द फंजोस्टेटिक एंड इफेक्टिव इन द इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड पेशेंट्स लाइक एड्स पेशेंट में भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं जो कि इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड होते हैं। इसके अलावा द स्टर्डल हार्मोन सिंथेसिस इनहिबिशन इज अब्सेंट, मतलब ये हार्मोनल डिस्टर्बेंस नहीं करता जैसे कि आपका कीटोकोनाजोल करता है, तो इसलिए बेहतर होते हैं। इसके अलावा इट मे सोज द रेयर हेपेटोटॉक्सिक इफेक्ट, तो ये लीवर डैमेज तो करता है, बहुत रेयरली करता है, तो ये कुछ बेसिक साइड इफेक्ट्स हैं। नाउ कम टू द फार्माकोकाइनेटिक प्रोफाइल ऑफ द इट्राकोनाजोल। तो बात करें फार्माकोकाइनेटिक प्रोफाइल की, तो ये भी ओरली एब्जॉर्ब होते हैं, इनका भी जो एब्जॉर्प्शन है वो आपके फूड और गैस्ट्रिक एसिड से बढ़ सकता है, मींस इट शोज द वेरिएबल एब्जॉर्प्शन विद द इनहेंस बाय द फूड एंड गैस्ट्रिक एसिड एंड हाई प्रोटीन बाइंडिंग्स। इट शोज द हाई प्रोटीन बाइंडिंग्स एंड द हाई वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एंड द वी डी इज अप्रोक्सीमेटली 10 लीटर पर kg। इसका जो प्रोटीन बाइंडिंग है वो भी हाई होता है, जो वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी हाई होता है, इसका जो वी डी है अप्रोक्सीमेटली 10 लीटर पर kg होता है, लेकिन ये आपके ब्लड में मेरे को क्रॉस नहीं करता है, मतलब आपके सीएसएफ में ये कम रूप में पहुंचता है, बाकी जगह टिशू पे ये इजिली पेंटेट कर सकते हैं। एंड द एक्टिव मेटाबोलाइट्स ऑफ दिस ड्रग इज मेनली सीक्रेटेड बाय द फिशेस। तो ये जो इनके जो मेटाबोलाइज्ड हैं, जो रिवर्स से होते हैं, जो एक्टिव मेटाबोलाइट्स हैं वो बेसिकली आपके फिशेस के थ्रू एक्सक्रीट होते हैं। एंड द बेसिक एडीआर इज द डिजीनेस, प्यूरिटिस, हेडेक, हाइपोकेलेमिया। लॉन्ग टर्म में हम यूज़ करेंगे तो इट मे कॉज द लेफ्ट वेंट्रिकल फंक्शंस इंपेयरमेंट ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल फंक्शंस, जबकि हार्ट के जो लेफ्ट वेंट्रिकल हैं उनके जो फंक्शंस हैं उसको इंपेयर कर सकता है अगर हम लॉन्ग टर्म यूज़ करें तो। एंड द बेसिक यूज इज द सिस्टमिक माइकोसिस, विजाइनल कैंडिडासिस, डर्मेटोफाइटोसिस एंड ओनिकोमाइकोसिस एंड पीडियासिस वर्सिकुलर। सो ये कुछ बेसिक उनके यूज़ हैं जो कि बहुत इफेक्टिव तरीके से काम करता है। इनका डोज है आपके 10 दिन से 20 दिन 30 दिन तक हो सकता है, डिपेंड ऑन द सीवियरिटी ऑफ द फंगल इन्फेक्शन। कुछ केस में एक हफ्ते का डोज देते हैं, कुछ केस में जो डोज है वो आपके 250 से 500 एमजी तक का हो सकता है, वेरिएबल करता है, लेकिन जो ड्यूरेशन है वो अप्रोक्सीमेटली 1 वीक का तो होता ही है, उसके अलावा हम एक्सटेंड भी कर सकते हैं डिपेंड ऑन द सीवियरिटी ऑफ द फंगल इन्फेक्शन। लेकिन आज के डेट में जो फंगल इन्फेक्शन हो रहे हैं उसके लिए कम से कम 15 दिन का डोज जरूरी होता है, दिन में एक बार कम से कम। एंड द ड्रग इंट्रेक्शन इज सिमिलर एज द एजोल्स फैमिली मीन्स कीटोकोनाजोल्स। सो दीज आर द बेसिक फार्माकोलॉजी ऑफ द इट्राकोनाजोल्स एंड द कीटोकोनाजोल्स। एंड इफ यू वॉन्ट टू नोट दिस लेक्चर प्लीज टेक ए स्क्रीन शॉट एंड इफ यू लाइक माई वीडियोज प्लीज प्रेस द लाइक बटन, शेयर विथ योर फ्रेंड एंड एनी फीडबैक प्लीज कमेंट ऑन द कमेंट सेक्शन, दैट मोटिवेट्स मी फॉर द अपकमिंग वीडियोज। एंड इन लास्ट थैंक यू, कीप वॉचिंग।